नमस्कार दोस्तों ये जो तीन लोगों के चित्र आप इस तरफ देख रहे हैं इन तीनों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं पिछले काफी समय से चल रही है। और इनमें सबसे बड़ी प्रबल जो चर्चा चली थी वो चली थी कमलनाथ को लेकर कि कमलनाथ तो बस आ गए आ गए दिल्ली पहुंच गए थे अपने बेटे को साथ लेकर आए थे कि बस कमलनाथ तो शामिल होने ही जा रहे हैं दो दिन कमलनाथ दिल्ली में रहे और बताया जाता है कि उन्होंने पार्टी के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का समय मांगा लेकिन समय नहीं मिला तेजेंद्र बग्गा आर पी सिंह और तमाम अन्य जो सिख नेता हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए जुड़े हुए हैं उन सब लोगों ने हल्ला मचा दिया कि उन्नीस के दंगे के आरोपी को सिख 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 नरसंहार के आ, कथित आरोपी को कैसे आप लोग शामिल कर सकते हैं बीजेपी में हालांकि बीजेपी में ये सब चीजें सुनी नहीं जाती संगठन में सिर्फ जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं है। नीतीश के, के, के साथ जाने के फेवर में नहीं थे क्योंकि वो नीतीश के खिलाफ लंबे समय से काम कर रहे थे तो उन्हें लगा कि यार जिसके खिलाफ हम लंबे समय से काम कर रहे हैं उसके साथ मिलकर सरकार बना लेकिन कमान अलग तरीके से सोचता है कमान को सुरक्षित करना है 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा और मैक्सिमम सीटें उसमें हासिल करनी है कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है तो इसलिए अभी जो आ रहा है सबका स्वागत हो रहा है और जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है वो सबको क्लियर कर रही है फिलहाल तरीका यही है कि आप आइए वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कीजिए और ये बताइए कि आप पार्टी के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं तो आपको पार्टी में ले लिया जाएगा ये समीकरण अभी चलते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब वैसे भी बीजेपी के लिए बड़ा क्रिटिकल स्टे, स्टेट है वहां पर बीजेपी शायद पहली बार इस बार अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है हालांकि अकाली दल से बातचीत उनकी फिर से शुरू हो गई है और हो सकता है कि चुनाव आने तक यह समझौता भी हो जाए लेकिन निश्चित रूप से पंजाब ऐसा स्टेट है बीजेपी जहां पर अभी अकेले अपना मेटल आजमाने की स्थिति में नहीं है वो कुछ इसी तरह से की स्थिति में है जैसे कि बिहार में है या महाराष्ट्र में है कि एलाइंस के साथ मिलकर तो वहां समीकरण बढ़िया बन सकते हैं बाकी नहीं बन सकते तो कमलनाथ का सिखों ने विरोध कर दिया हालांकि मुझे बार बार इस बात पर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर सिखों को कांग्रेस के नेताओं से इतनी ही एलर्जी है और सिख दंगों को इतना ही सब लोग मानते हैं तो पंजाब में बार बार कांग्रेस की सरकार कैसे बन जाती है बताइए आप जब से चौरासी के दंगे में उसके बाद से तो कई बार सरकार कांग्रेस की वहां पर बन चुकी है कैप्टन अमरिंदर भी बन चुके हैं दो तीन बार तो वहां के सीएम तो फिर इसका मतलब सिखों ने माफ कर दिया है कांग्रेस को तो फिर कमलनाथ को भी माफ कर देना चाहिए था ये सब बातें सवाल निश्चित रूप से चल रहे हैं लेकिन कमलनाथ की जो एंट्री रुकी है पार्टी में उसका सबसे बड़ा आधार है उनका जनाधार कांग्रेस को पार्टी ने मास लीडर नहीं माना यानी कि भीड़ जुटाने वाला नेता नहीं माना उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से एकमात्र कांग्रेस के सांसद हैं मध्य प्रदेश से आप जानते हैं पिछली बार 2019 में पूरी हिंदी बेल्ट में जब कांग्रेस का सफाया हुआ था तो राहुल गांधी और नकुलनाथ दो ही लोग बचे थे बाकी सब लगभग हार गए थे तो इस बार रिपोर्ट यह है कि नकुलनाथ खुद हार रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर और इसलिए जान बचाने के लिए बीजेपी के टिकट पर आना चाहते हैं अब बीजेपी उन्हें अपने टिकट पर क्यों ले अगर उनके आने से कुछ फायदा नहीं होता विधानसभा चुनाव में अगर वे आए आए होते तो विधानसभा चुनाव में तो वो शायद फायदा करा देते कुछ विधानसभा सीटों का लेकिन उस समय तो उनके पिता कमलनाथ लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी को इस बार सत्ता में नहीं आने देंगे तो कमलनाथ अपना सा मुंह लेकर वैसे चले गए हैं और मेरा मानना है कि कमलनाथ को बीजेपी में लेने से पार्टी को कोई फायदा होने वाला है नहीं ये मेरी निजी राय है अब कोई इस पर कुछ भी कहता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए मास लीडर है अपने इलाके में पॉपुलर है उन्होंने काम करके दिखाया है अपनी संभावनाएं उन्होंने दिखाई भी है हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे देखिए कितना प्रभाव था कि बीजेपी की दोबारा सरकार बनी वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने तो अगर आपके पास दमखम है तो कुछ आपको बीजेपी में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए एक और बड़बोले नेता है नवजोत सिंह सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू जब कांग्रेस में हुआ करते थे अभी कुछ समय पहले तक तो राहुल गांधी और इन सब की बड़ी तारीफ किया करते थे नरेंद्र मोदी की आलोचना किया करते थे उससे पहले जब बीजेपी में हुआ करते थे तो राहुल गांधी को पप्पू बताया करते थे आप उनके सोशल मीडिया पर वीडियोस ढूंढ लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू के आपको वो ये सब कहते हुए नजर आ जाएंगे राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे नरेंद्र मोदी के बारे में भी वो ये क्या करते थे तो जो इस तरह के बेपैदी के लोटे हैं उनके बारे में क्या है बीजेपी में ओपिनियन ये मैंने जानने की कोशिश की हालांकि बीजेपी में एक धड़ा है जिसमें बीजेपी के नेता है सोमदेव शर्मा वगैरह उन लोगों का मानना है कि अमृतसर में अगर नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव लड़ाया जाए तो बीजेपी को जीत मिल सकती है लेकिन अगर बीजेपी को जीत मिलनी होगी और बीजेपी के समर्थन में वहां माहौल बनेगा तो वो मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के बिना भी बन सकता है अब नवजोत सिंह सिद्धू के आने से अगर बीजेपी को तीन चार सीटों का फायदा हो जाए तो अलग बात है लेकिन अगर केवल अमृतसर सीट ही नवजोत सिंह सिद्धू निकाल सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू ज्यादा उपयोगी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है अभी तक बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं आया है इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने भी चुप्पी साधी हुई है और वैसे नवजोत सिंह सिद्धू और बीजेपी का कॉम्बिनेशन बढ़िया रहा है। आपको ध्यान होगा जब कैप्टन की सर... के इससे पहले अकाली दल की सरकार थी दो से पहले तो उस समय इनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू स्वास्थ्य मंत्री थी डॉक्टर हैं वो एमबीबीएस हैं आजकल तो खैर वो कैंसर से पीड़ित हैं मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं ट्रीटमेंट चल रहा है उनका कीमोथेरेपी वगैरह हो रही है लेकिन उनकी पत्नी की सुखबीर सिंह बादल से नहीं बनती थी सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला हुआ था फिर कांग्रेस में आ गए तो इन्होंने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोल लिया तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो उखाड़ पछाड़ वाले आदमी है जहां भी रहते हैं शांति से नहीं बैठते तो मेरा मानना है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ, आते हैं तो वो अमृतसर वाली सीट जिता सकते हैं इसके अलावा वो ना कोई पार्टी के लिए एसेट है ना वो पार्टी की इमेज में कुछ बढ़ावा देते हैं ना ही वो मास लीडर हैं मुझे लगता नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी में अगर वो आते हैं तो कोई फायदा बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है मनीष तिवारी मनीष तिवारी को मैं सबसे प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट मानता मांग, हूं उनकी देखिए कैप्टन अमरिंदर के बड़े करीबी हैं आनंदपुर साहब से कैप्टन अमरिंदर ने अपने दम पर उन्हें दो में सांसद बनवा दिया था हालांकि उनका टिकट पहले कहीं और से हो रहा था लेकिन कैप्टन ने कहा कि नहीं आप आनंदपुर साहब से लड़िए और आपको फायदा होगा और आनंदपुर साहब से लड़े और उनको सांसद भी बनवाया और कैप्टन अमरिंदर का पूरा गुट अब बीजेपी में आ चुका है सुनील जाखड़ देखिए कितनी जल्दी बीजेपी में आए और बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए पंजाब के तो कैप्टन अमरिंदर अगर चाहे तो मनीष तिवारी की एंट्री हो सकती है मनीष तिवारी के आने से बीजेपी को फायदा भी है मैं ये नहीं कहता कि वो मास लीडर है उनकी छवि बढ़िया है बेदाग है पढ़े लिखे हैं अच्छे वक्ता हैं सक्षम है किसी भी मुद्दे पर संयमित बोलते हैं और मैंने कभी उन्हें नरेंद्र मोदी के बारे में या बीजेपी के किसी बड़े नेता के बारे में अभद्र शब्द इस्तेमाल करते नहीं सुना जिस तरह के नवजोत सिंह सिद्धू करते हैं तो मेरा मानना है कि बीजेपी अगर पंजाब में इन दोनों नेताओं के बारे में कंसीडर कर रही है तो उसे नवजोत सिंह सिद्धू के बजाय मनीष तिवारी पर कंसीडर करना चाहिए मंत्री भी रहे हैं सूचना प्रसारण मंत्री रहे थे शायद ये मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करवाई थी अंतिम तो मनीष तिवारी की संभावना है और सबसे मेन चीज मनीष तिवारी राहुल गांधी की गुड लिस्ट में नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चमचे के रूप में माने जाते हैं पार्टी में लेकिन मनीष तिवारी की इमेज उस तरह की नहीं है आपको ध्यान होगा ग्रुप ट्वेंटी थ्री बना था जो जिसमें गुलाम नबी आजाद कपिल सिब्बल मिलिंद देवड़ा ये सब लोग हुआ करते थे उसमें मनीष तिवारी भी थे और ये भी पार्टी में मनीष तिवारी भी शशि थरूर की तरह पार्टी में सुधारवादी एक अप्रोच के दोतक माने जाते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर कैप्टन अमरिंदर चाहे तो मनीष तिवारी की एंट्री हो सकती है और ये जीताऊ कैंडिडेट भी साबित हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर पटियाला से आते हैं वहां से उनकी पत्नी सांसद है कांग्रेस की शायद उनकी बेटी इस बार चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित रूप से पार्टी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की अवेलना नहीं कर सकती और अगर कैप्टन अमरिंदर की बात चलेगी पंजाब में तो फिर नवजोत सिद्ध सिद्धू की एंट्री कैसे होगी नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री से मुझे बीजेपी को, को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है उल्टा पार्टी में राजनीति होगी और बहुत सारे लोग हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू का पार्टी में विरोध भी करते हैं क्योंकि ये पांच छह साल से पिछले जब कांग्रेस में थे तो इन्होंने बीजेपी की नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और जिस इंसान की प्रवृत्ति ये हो जाती है कि वो जिस डाली पर बैठता है उसी को काटने लगता है तो ऐसे आदमी को पार्टी में लेना नहीं चाहिए तो फिलहाल मुझे मनीष तिवारी नवजोत सिंह सिद्धू और कमलनाथ इन तीनों में से मनीष तिवारी के बीजेपी ज्वाइन करने की संभावनाएं ज्यादा सशक्त नजर आती है और उससे बीजेपी को मुझे फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है एक और खबर आ रही है कि क्रिकेटर युवराज सिंह को गुरदासपुर से चुनाव लड़वाया जा सकता है आपको ध्यान होगा गुरदासपुर सीट सीट वो लोकसभा है जहां से सनी दियोल रहे हैं और उससे पहले 1998 से 2014 तक 2014 तक यानी कि मोदी के पीएम बनने तक गुरदासपुर सीट को चार बार लगातार सुपरस्टार विनोद खन्ना ने रिप्रेजेंट किया था उनकी मौत के बाद सनी दियोल को लाया गया था उनकी मौत के बाद जब उपचुनाव हुआ था तो तो आपको ध्यान होगा तो से सुनील सांसद बन गए थे बीजेपी, बीजेपी हिंदू बहुल है और बीजेपी उस को हालत में जीतना चाहती है जैसे पठानकोट का इलाका है और गुरदासपुर का इलाका है यहाँ बीजेपी लंबे समय से अपना दबदबा बरकरार रखती पाई है तो बीजेपी चाहेगी कि इस सीट को फिर जीता जाए सुनने में आया है कि युवराज सिंह क्रिकेटर जो हैं पंजाब से ही आते हैं उनके पिता भी क्रिकेटर रहे हैं और उनकी हाल ही में बताया जाता है कि नितिन गडकरी से मुलाकात भी हुई है मैं ये नहीं कहता हूँ कि न, युवराज सिंह बहुत ज्यादा बड़े मास लीडर साबित हो जाएंगे लेकिन छवि बेदाग है देश के लिए बढ़िया खेले हैं 2011 का जो वर्ल्ड कप था क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसमें धोनी ने लास्ट बॉल पर सिक्स मारा था उसमें मैन ऑफ द सीरीज थे और सबसे शानदार प्रदर्शन किया था धोनी के साथ एक बहुत अच्छी सीरीज एक बहुत अच्छी फाइनल में, 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 में जबरदस्त लोकप्रियता है जैसे शुभमन गिल आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं तो अगर युवराज सिंह जैसा आदमी आता है पार्टी में तो उससे निश्चित रूप में पंजाब को पंजाब में बीजेपी को बूस्टअप मिलेगा तो मुझे लगता है कि इन सब संभावनाओं में मुझे मनीष तिवारी युवराज सिंह इनकी संभावनाएं ज्यादा बेटर नजर आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू और कमलनाथ जैसे लोग मुझे पार्टी के ऊपर जिसे कहते हैं एक बोझ की तरह नजर आ रहे हैं ये पार्टी में आ तो जाएंगे लेकिन ये पार्टी को कुछ दे नहीं पाएंगे उल्टा पार्टी का नुकसान कर देंगे और इनके आए बिना भी बीजेपी इन सीटों को जीत सकती है छिंदवाड़ा को भी और अमृतसर को भी तो ऐसे में फिर नवजोत सिंह सिद्धू और कमलनाथ जैसे छुटे हुए कारतूसों को लेने का क्या फायदा ये मेरी समझ में नहीं आता बहरहाल बीजेपी है कोई हमारे कहने से तो चलती नहीं है हो सकता है अमित शाह को कुछ संभावनाएं नजर आए और कुछ चीजें बन जाएं इस मामले पर हमारी नज़र वैसे बनी रहेगी आप सब लोगों को वीडियो कैसा लगा देखिए दो हजार से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं भाई सब लोग लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को यार सपोर्ट भी करते रहिए समय समय पर क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कुछ मजा नहीं आता है ये हमारा क्यू कोड है इसे स्कैन करके आप सपोर्ट कर सकते हैं विदेश में रहते हैं तो पेपाल आई है हर्ष की बात उसके माध्यम से कंट्रीब्यूट करें आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें